मैं हूं नेहा सिंह, आप देख रहे हैं वीपी टीवी। सरबत खालसा के जत्थेदार साहिब के द्वारा गुरुद्वारा छोटा घल्लूघारा कहनुवास के अंदर हुई महिला के साथ बेअदबी मामले में तनख्वाहियां घोषित किए कमेटी के प्रधान मास्टर जौहर सिंह आज अपनी सापूरी करने के लिए श्री हरिमंदर साहिब आए, जहां उनको एसजीपीसी ने श्री हरिमंदर साहिब के अंदर जाने नहीं दिया। इस बीच एसजीपीसी के अधिकारी और उनकी टास्क फोर्स ने उनको रोक लिया और उन्हें वापस जाने को कह दिया। दरअसल एसजीपीसी का तर्क है, जो सरबत खालसा के जत्थेदार हैं उनका हुक्म मान्य नहीं है। उधर उनको जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह ने तनख्वाहियां घोषित किया है, इसलिए वे पहले जत्थेदार साहिब के आदेश पर तनख्वाह लगा कर आए, जिसके बाद वे अपनी भूल को बख्शा सकते हैं। इस बीच जौहर सिंह को वापस भेज दिया गया। वहीं इस बीच जौहर सिंह का कहना है कि वे इस नमाने सिख के तौर पर श्री हर गोविंद सिंह पातशाह के तख्त से निकले हुए आदेश को पूरा करने के लिए आए थे और आज उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, जो कि गलत बात। मैं आज सिंह साहबान के हुक्म अनुसार धन गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी पीरी के मालक श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्म नूं मानदा होया सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सेवा करन लई कीर्तन सरवण करन लई आया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहुदेदार टास्क फोर्स ने जिस ढंग नाल मैनू रोकिया, ये अत निंदन योग है। अपनी सेवा आरंभ करन लई गुरु रामदास सराम वाले पासे गेट ते आया सा, अंदर जाके गुरु रामदास पातशाह दे दर ते सेवा करन लई। अज फिर वही गल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों ने मैनू रोक दिता कि तू अंदर नहीं जा सकता। जदों मैं तनखा लगी हुई तनखा पूरी करन लई आया, अकाल तख्त साहब तो तनखा आया, एक बार लग जे दो बार लग जे तनखा तो तनखा है। मैं तनखा जो मैनू हुक्म होया तख्त पूरी कर लिया। मैनू इस गल का दुख है कि गुरु रामदास पातशाह का घर जेड़ा चौं बरना लई सांझा है, उस दर तो मैनू अंदर नहीं जान दिता गया। मेरे मन नू दुख है, मेरे मन नू ठेस है। साल बीत जाण दे बाद अज मैनू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों ने यह कहा कि तुसी अंदर नहीं जा सकते, जिन्ना चिर तक तुसी ज्ञानी गुरबचन सिंह दे सरकारी जथेदार दे पेश नहीं होंगे। सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी दे पेश नहीं होंगे। मैं आप सारिआं नूं बेनती करनी चाहुंदा, 10 लाख दा चब्बे दी धरती दा कट्ठ सरबत खालसा, जदों इहो जिहां घिनौणियां हरकतां हुंदियां उदों सरबत